नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, अभी हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर थर्ड, और आज हम चैप्टर नंबर थर्ड की वीडियो नंबर थर्ड पर है। और पीछे की दो वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भारतीय कृषि के महत्व या फिर भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी क्यों कहते हैं, और एक पढ़ा हमने भारतीय कृषि की समस्याएं। हमने दो टॉपिक पीछे की दो वीडियो में कंप्लीट किए हैं, और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमने समस्याएं पढ़ी थी, क्या उन समस्याओं को सुधारने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए, और अगर सरकार ने जो कदम उठाए या सरकार ने जो भी नीतियां बनाई, जो भी पॉलिसियां बनाई, क्या वो नीतियां कौन सी थी, वो उन नीतियों के बारे में डिस्कस करना है हमने कि हमने सरकार या हमारी सरकार ने या हमने अपनी कृषि को सुधारने के लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई या फिर सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। तो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारतीय कृषि की समस्याओं को निपटाने के लिए या भारतीय कृषि की समस्याओं को सुधारने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय बताओ, मतलब सरकार ने कौन कौन से उपाय अपनाए, या फिर इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या कर सकता है, उसने क्या किया, एग्जामिनर ने लिख दिया 1950 से लेके 1990 तक सरकार ने कृषि में सुधार के लिए जो भी नीतियां अपनाई है वो नीतियां बताओ। ठीक है, वो इन दो तरीके से क्वेश्चन को दे सकता है। अब हमने क्या किया है, हमने इन नीतियों को तीन भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सी नीति, नीति नंबर एक तकनीकी सुधार, नीति नंबर दो संस्थागत सुधार, नीति नंबर तीन कौन सी सामान्य सुधार। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तकनीकी सुधार। इसका मतलब आज की क्लास में हम केवल तकनीकी सुधार के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी जो हमारे संस्थागत सुधार या अन्य सुधार या सामान्य सुधार है उन पर हम डिस्कस नेक्स्ट की वीडियो में करने वाले हैं। तो यार, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि सरकार ने कृषि में सुधार करने के लिए कौन कौन से तकनीकी सुधार किए। तो कौन कौन से तकनीकी सुधार किए, सबसे पहले तो सरकार ने क्या किया, HYV बीजों का प्रयोग किया। किसका, HYV बीजों का प्रयोग किया। अब ये HYV बीज क्या होते हैं, ये जो नॉर्मल बीज होते हैं ना उनके मुकाबले में इनकी गुणवत्ता क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये वैसे बीज होते हैं जो उनके मुकाबले में, इनके नॉर्मल बीज के मुकाबले में HYV टेक्निक के बीज जो होते हैं वो ज्यादा उत्पादन देते हैं, और जो उससे फसल तैयार होती है ना, HYV बीज से जो फसल तैयार होती है उन फसलों की जो गुणवत्ता होती है वो भी अच्छी होती है, और उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसका मतलब कीटों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है, अच्छी होती है। और उन बीजों के मुकाबले में ये बीज कौन से, HYV टेक्निक के बीज जो होते हैं वो उत्पादन क्या देते हैं, पहले से अच्छी मात्रा में या फिर ज्यादा देते हैं। तो सरकार ने तकनीकी सुधार में पहला सुधार कौन सा किया, सरकार ने HYV बीजों का प्रयोग किया। ठीक है, देखते हैं हमें इसे एग्जाम में कैसे लिखना है। देखो, कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए, पहला पॉइंट है कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए परंपरावादी का मतलब जो हम बहुत पहले से बहुत टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं, बीजों के स्थान पर, मतलब ऐसे बीज जो हम बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं उनके स्थान पर क्या किया, HYV बीजों का प्रयोग आरंभ कर दिया हमने। किसका प्रयोग यूज कर दिया, स्टार्ट कर दिया, HYV बीजों का। देखो, HYV बीजों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा HYV बीजों का प्रयोग करें, उन्होंने क्या किया, सरकार ने राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की। अब राष्ट्रीय बीज निगम क्या होता है, एक ऐसी संस्था होती है जो लोगों को प्रोत्साहित करती है। किस लिए प्रोत्साहित करती है, कि वो नॉर्मल बीजों की तुलना में HYV बीजों का प्रयोग करे। HYV बीज जो होते हैं वो नॉर्मल के मुकाबले में थोड़े से महंगे जरूर होते हैं, लेकिन उसमें उत्पादन क्या होता है, नॉर्मल के मुकाबले में ज्यादा होता है। तो इसलिए सरकार ने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की। हमें इस तरह से आंसर एग्जाम के अंदर मेंशन करके आना है। दूसरा क्या किया, रासायनिक खादों का प्रयोग। इसका मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र थे या जो कृषि क्षेत्र थे वो लोग रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर हम इसमें रसायन या केमिकल डालेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फसलों को नुकसान हो, इसलिए वो लोग रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते थे। तो सरकार ने नीतियां बनाई और लोगों को प्रोत्साहित किया। क्या किया, प्रोत्साहित किया, किस लिए, ताकि वो अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग करें। अब देखते हैं इसे एग्जाम में लिखना कैसे है। देखो, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार
ने किसानों को कम कीमत पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराई, उनको सस्ते रेटों पर रासायनिक खादें दी ताकि वो क्या करें अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग करें। ठीक है, आगे देखो, गांव में कंपोस्ट खाद के प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया गया। अब ये कंपोस्ट खाद क्या होती है आपको पता होगा, हम लोग गांव में क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद देते हैं, उसमें जितना भी गौमूत्र होता है या गाय के जो अपशिष्ट होते हैं उनको, या फिर इसके अलावा जो भी सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं उनको उसके अंदर ढक के रख लेते हैं, तो उससे जो खाद बनती है वो होती है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट मतलब होता है सड़ा गला के, या कृषि का जो कूड़ा होता है उसे बोलते हैं कंपोस्ट खाद। तो इन दो चीजों के लिए सरकार ने क्या किया, किसानों को प्रोत्साहित किया ताकि वो इस तरह के क्या करें, क्योंकि इससे क्या होता है जो खेती होती है वो क्या होती है ज्यादा होती है। तो दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि सरकार ने तकनीकी सुधार में क्या किया, HYP बीजों का प्रयोग किया और किसानों को रासायनिक खादों का और कंपोस्ट खाद के प्रयोग के लिए क्या किया प्रोत्साहित किया। क्लियर हो गया। अगर वो फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, अब क्या होता था कि किसान जो है वो अपने फसलों में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करते थे, वो अपने उसमें क्या अपनी खेती में जो कीटाणुओं को मारने के लिए या फिर फसल के कीड़ों को मारने के लिए उसमें दवाइयों का छिड़काव नहीं करते थे। क्यों? सेम वही बात, उन्हें डर होता था किस चीज का कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फसल खराब हो या फिर इस फसल को खाने से किसी को नुकसान हो। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि फसलों के संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग को शुरू किया। देखो, फसलों को बीमारी तथा कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों के उचित प्रयोग के लिए अनेक कदम उठाए गए। ठीक है, अब इस जरा ध्यान रखना, ये हम कब की बात कर रहे हैं, 1950 की बात कर रहे हैं, आज मत समझना। तो उस समय हमने क्या किया, किसानों को प्रोत्साहित किया कि वो अपने खेतों में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करें, या फिर जब वो फसलों का संरक्षण करते हैं इकट्ठा करके रखते हैं तो भी वो उसमें क्या डाले, कीटनाशक दवाइयां डाले ताकि उनकी फसलें जो तैयार फसलें हैं उनमें कीड़े ना लगे और वो खराब ना हो। ठीक है, और 14 केंद्रीय पौध संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए। क्या किए गए? केंद्रीय पौध संरक्षण। इनका क्या काम था? इनका काम था कीटनाशक दवाइयों के बारे में अवेयर कराना और पौधों के संरक्षण के लिए नई नई नीतियां बनाना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तीन पॉइंट तो हमारे तकनीकी सुधार के अंदर आए। कौन कौन से तीन पॉइंट? ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 4, किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। किसके लिए? वैज्ञानिक खेती के लिए। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये होता है कि वैज्ञानिक खेती क्या होती है। वैज्ञानिक खेती का मतलब होता है कि किस टाइम में कौन सी खेती करनी है, कैसे मिट्टी की हेरा फेरी करनी है, कैसे फसलों की हेरा फेरी करनी है। फसलों की हेरा फेरी का मतलब अब कौन से मौसम में कौन सी फसल उगाए, किसके बाद कौन सी फसल उगाए, गेहूं के बाद क्या उगाना चाहिए ताकि खेत की उर्वरता शक्ति भी बनी रहे। आपने देखा होगा कि क्या होता है, एक लाइन में सारे आलू होते हैं, एक लाइन में सारे गोभी होते हैं, इस तरह की खेती को हम वैज्ञानिक खेती कहते हैं। क्लियर हो गया, इसे हम बहुफसलीकरण भी कहते हैं, वो वैज्ञानिक तरीका होता है। ठीक है, देखो, खेती की परंपरागत विधियों के स्थान पर, देखो खेती की परंपरागत विधियों के स्थान पर, इसका मतलब ऐसी विधि जो हम पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं उनके स्थान पर वैज्ञानिक ढंग से खेती करने पर, कि भाई अब आप पुराने तरीके से नहीं कि मतलब जो मन किया वो फसल उगा दी, अब आप पहले क्या करोगे, मिट्टी की जांच करवाओ कि भाई इस मिट्टी में कौन सी फसल का उत्पादन करना सही रहेगा। ठीक है, पहली बात तो ये, दूसरी बात उसमें कितने पानी की जरूरत है, तीसरी बात कौन सी फसल के बाद किस फसल को का उत्पादन किया जाए। तो इस तरीके को हम बोलते हैं वैज्ञानिक खेती। तो सरकार ने क्या किया, जो परंपरागत आधार था, परंपरागत तरीके से जो खेती करते थे उस तरीके को खत्म कर दिया और किसको स्टार्ट किया, वैज्ञानिक खेती को। ठीक है, बहुत अधिक महत्व दिया गया इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, वैज्ञानिक खेती के अंतर्गत। फसल उनकी किस्मों का चुनाव, मैंने बताया ना कि कौन सी किस्म की उत्पादन करना है, भूमि की तैयारी मतलब मिट्टी को कैसे तैयार करना है खेती करने के लिए, ये सब वैज्ञानिक आधार बनाया गया। ठीक है, फसल हेरा फेरी मतलब किस फसल के बाद किसको उगाए। ठीक है, बीजों का चुनाव करना मतलब कौन से बीज डालने चाहिए, मैंने बताया ना HYV टेक्निक के बीजों को डालना चाहिए। ठीक है, खाद का उचित प्रयोग आदि, मतलब कितनी खाद, कितनी मात्रा में खाद डालनी है, कब उर्वरक डालनी है, कब इसमें सिंचाई करनी है, ये सब तरीके किसके आधार पर बनाए गए, वैज्ञानिक आधार पर। किसने बनाए? सरकार ने बनाए। क्लियर हो गया। ठीक है, क्यों बनाए? अपनी कृषि की अवस्था को सुधारने के लिए। ठीक, आगे है खेती के यंत्रीकृत साधन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसानों के पास जो है ट्रैक्टर थ्रेशर वगैरह तो होते नहीं थे, तो उसके लिए क्या क्या गया, उनको वित्त की सहायता दी गई। वित्त की सहायता का मतलब क्या हो गया कि उनको फाइनेंस
फाइनेंशियल हेल्प दी गई। ठीक है, क्या हुआ उसके लिए बैंक खोले गए। बैंकों का क्या काम था कि किसानों को सस्ते रेटों पर क्या दो, ऋण दो, ताकि वो क्या कर सके, यंत्र खरीद सके खेती के लिए। यंत्र पहले खेती कैसे होती थी, पहले खेती या तो बैलों से होती थी ना बैलों से, तो अब बैलों की जगह पर सरकार ने क्या किया, ट्रैक्टर और थ्रेशर का यूज स्टार्ट किया। देखो कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टरों तथा हार्वेस्टरों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए, ताकि लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर और हार्वेस्टरों का प्रयोग करें, बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए, अनेक योजनाएं चलाई गई। ठीक है, छोटे किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए सस्ते वित्त का प्रबंध किया गया। किसका, सस्ते वित्त का। सस्ते वित्त का मतलब क्या होता है कि उनको सस्ते से मतलब कम से कम ब्याज दर पर क्या करना, पैसा उधार देना। किस लिए किया गया, ताकि वो क्या कर सके, यंत्र खरीद सके। यंत्र मतलब ट्रैक्टर और थ्रेशर आदि का प्रयोग कर सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सहकारी समितियों का निर्माण किया गया। सहकारी समिति के बारे में हम डिटेल से चैप्टर नंबर 9 ग्रामीण विकास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, खेतों के यंत्रीकृत साधन। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन में देखते हैं, क्या देखेंगे कि हमारी सरकार ने भारतीय कृषि के सुधार के लिए कौन कौन से तकनीकी सुधार किए। ठीक है, अच्छा हाँ, एग्जाम में ना वो क्वेश्चन अगर मान लो 3 मार्क्स का देना है, तो वो सिंपल आपसे ये भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि भाई भारतीय कृषि में सुधार करने के लिए सरकार ने तकनीकी सुधार कौन से किए। मतलब उसने सिर्फ आपसे ये एक पॉइंट पूछ लिया, ये दोनों पॉइंट आपसे नहीं पूछे, तो सिर्फ आपको ये बताना है। और उसने तकनीकी वर्ड यूज नहीं किया, तो आपको ये तीनों पॉइंट बताने पड़ेंगे, और ये 2 पॉइंट हम कब पढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर हो गया, एक बार इसका क्विक रिवीजन देखते हैं। तकनीकी सुधार में क्या क्या आता है, HYV बीजों का प्रयोग, क्लियर हो गया। फिर हमने क्या किया, यंत्रीकृत साधनों का प्रयोग शुरू किया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने रासायनिक खादों का प्रयोग किया। फिर हमने क्या किया, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया। फिर हमने क्या किया, खेती का वैज्ञानिक आधार बनाया। ठीक है, तो हमने ये 5 पॉइंट पढ़े, जिन 5 पॉइंटों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकार ने कृषि को सुधारने के लिए तकनीकी सुधार में ये 5 सुधार किए। क्लियर, अगर वो आपसे संस्था का सुधार पूछता है, अगर वो बोलता है एग्जाम में कि संस्था का सुधार लिखो, तो संस्था का सुधार में 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 पॉइंट आएंगे। कौन कौन से, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे भारत में पहले जमींदारी प्रथा थी वो क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ, लगान का नियमन कर दिया गया। मतलब लगान जो किसान देते थे ना, जमींदार को लगान देते थे, उसका नियमन कर दिया, मतलब उसको एक नियम के अंदर बांध दिया। ठीक है, खेतों की चकबंदी कर दी गई, जो खेत बहुत दूर दूर थे उन्हें क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया गया एक जगह पे। भूमि की उच्चतम सीमा तय कर दी गई कि एक व्यक्ति के पास इससे ज्यादा भूमि नहीं होगी, जैसे आपने पढ़ा होगा 1978 में भूमि अधिग्रहण। ठीक है, सहकारी खेती की गई। फिर अगर हम सामान्य सुधार की बात करें, तो सामान्य सुधार में 1, 2, 3, 4 ये सुधार आते हैं। कौन कौन से, सिंचाई की सुविधा का विस्तार किया गया, ट्यूबवेल लगवाए गए। ठीक है, आगे साख का प्रावधान किया गया, इसका मतलब किसानों को ताकि सस्ते रेटों पर साख मिल सके, ये किया गया। नियमित मंडियां खोली गई, और आखिरी में समर्थन कीमत दी गई। समर्थन कीमत क्या होती है, समर्थन कीमत का मतलब होता है ऐसी कीमत जिससे किसानों को क्या हो सके, कम से कम इतने रेट पे तो सरकार उसे खरीद लेगी। बाकी विस्तार से इसको जानेंगे जब हम सामान्य सुधार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि सरकार द्वारा क्या किया गया, कौन कौन से तकनीकी सुधार किए गए, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कौन कौन से, एक तो सामान्य सुधार पढ़ेंगे और एक हम संस्थागत सुधार पढ़ेंगे। ठीक है, या संस्थागत सुधार को ना हम भूमि सुधार भी कहते हैं, इस पर डिस्कस करने वाले हैं वीडियो नंबर 4 में। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। नमस्कार।